वेलकम बैक क्लास एट्थ। क्लास एट्थ आता पहला चैप्टर कंप्यूटर सोमेन रैशनल नंबर दिंग क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 1.1 ना एक्सरसाइज 1.2 दो ही एक्सरसाइज है। अरे इसकी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही कोशिश बचे ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन लेता हूँ फ्रूनिज बचा ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 करना स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 ही पहला क्वेश्चन ही पहला आते बस फिर दूसरा यंते बचे ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग है ठीक है। तो जब भी आता एडिटिव इनवर्स चाहिए होती है क्वेश्चन नंबर दूसरे में तो बहुत सिंपल सा है सर, कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखा है -5/9 दी आता एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नाम सम का नंबर ही एडिटिव इनवर्स की जरूरत न का तो नंबर पूछा मुझसे जो ठीक है। तो सर 5/9 साइन पूछे बस नेगेटिव इतना पॉजिटिव तो ये हो गया सर, तो आंसर आएगा आपको जीरो। एडिटिव इनवर्स ना और नंबर को एड बना आंसर कॉम्बिनेशन जीरो जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी तो ये हो गया ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए सपोज उन्होंने रखा है 2/-9 अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन थी मतलब पूछ रहे इनको -2/9 दी एडिटिव इनवर्स ऑफ इंजीनियर जी बच्चे नंबर को चेंज नंबर को तो ऑप्शन साइन पे चेंज हुआ नंबर हुआ सर 2/9 नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2/9 आंसर तो ये 2/9 जी सो एडिटिव इनवर्स हो ठीक है। ये बहुत सिंपल सा चीज है तो एडिटिव इनवर्स निकालना सीख लिया। इसी तरह सर क्वेश्चन नंबर चौथे में है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ठीक है सर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जैसे मान लो -13/19 हाँ दी बता मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फंक्शन एडिटिव में मल्टीप्लीकेटिव नाम सा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फंक्शन ना साइन बदल तो जाते हैं नंबर रेसिप्रोकल है यानी न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर पे डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर ना चाहते ठीक है। तो क्या हुआ सर आपके पास यहां से हो गया सर ये हो गया 19/13 दैट्स इट क्योंकि नेगेटिव का आपने क्या लेनी है नेगेटिव को ऐसे ही रखनी है ठीक है। तो जब आप इन दोनों को इंड करोगे क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव है देखा मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपको आंसर 1 आनी है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स से ना नंबर रेसिप्रोकल साइन पे चौखना चाहता क्लियर ये सबको समझ आ गया होगा आई थिंक ठीक है। आप बता चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक है क्वेश्चन ये है इस 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 है तो क्यों नहीं है ठीक है। 0.3 और 3/1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कि नहीं है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब 0.3 ना नाम संगत इस 3/1/3 मल्टीप्लाई मन आंसर सम मोरिशन 1 डू यू ना इन वरना मैन ठीक है। तो 0.3 चीज भी ध्यान से देखिए ना जब दी डिसिमल नंबर को हंगाते चेंज बचे तो इसको कैसे चेंज करते देखिए पॉइंट को हटाइए तो 3 हुआ सर -1 था से ना पॉइंट के अपने जीरो चंदो जीरो एक एक चंदो तो जीरो नीचे था जीरो ठीक है। 0.3 को मते बस पॉइंट को हटाई बना का तो 3 हुआ -1 था से ना पॉइंट के अपने डिजिट में तो सब जीरो चढ़ाओ ये हो गया ड्यूसी 3 3 9 मिक्स फ्रैक्शन का सौ 3 3 9 दोनों जो मल्टीप्लाई तो 9 1 कल बना समझो सर 10/3 इन 3 कैंसल 10 कैंसल आंसर समझो 1 आया इसका मतलब 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 और 3/1/3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 हिंदी सा समझो सर आई थिंक आई होप आ गया होगा ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बाकी और क्वेश्चन है वो आप खुद कर लीजिएगा ठीक है। ओके अगर किसी कोई पूछता है सर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x है ये रेसिप्रोकल पूछे मुझे रेसिप्रोकल सर बच्चे न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर है तो ये रेसिप्रोकल बचेंगे जो x/1 ठीक है सीधा रेसिप्रोकल मतलब दू खाते हुए दू ठीक है। 5/9 रेसिप्रोकल सर बनेगा तो 9/5 ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा शाबाश देखो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन रिप्रेजेंट द नंबर फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन पहला गुना है सर पहला क्वेश्चन पहला हो 7/4 नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट बचिन से हाँ ठीक है। तो आप कैसे करेंगे क्या करोगे इसको ध्यान से देखना सबसे पहला गा नंबर चिक राशन नंबर चिक अगर रिप्रेजेंट बचिंदा पहला गुमा कोई साइन पल तो पॉजिटिव का तो इतना का तो 0 ना 1 ठीक है लेंचिन अगर नेगेटिव इतना का तो 0 ना -1 लेंचिन ठीक है 0 ना -1 नाम लेंचिन तब नेगेटिव इतना का तो पॉजिटिव इतना का तो 0 ना +1 0 ना 1 लेंचिन ठीक है ये डायरेक्शन है।
अब ची बच्ची का तो अच्छी अच्छी बच्ची करता हूँ डिनोमिनेटर पे आता हूँ चार जीरो नौ वन चार हिस्से में कट गोस ठीक है तो चार हिस्से में कट करते हैं एक दो तीन चार बराबर हिस्सा बचे है ठीक है तो बराबर हिस्सा हो गया ठीक है। अब दी गई सर डब्बा सर दिशा पे एक ऑर्ड ऑफ सेवन है चार है ना तो ये हो गया सर वन डिवाइडेड बाई फोर दी गए सर मौजूद दो एक दो ऑर्ड ऑफ सेवन है ना फोर है ना टू डिवाइडेड बाई फोर दी गए सर थ्री थ्री डिवाइडेड बाई फोर दी गए सर फोर डिवाइडेड बाई फोर यानी फोर डिवाइडेड बाई फोर आंसर समझ मत वन हो दी गए सर जीरो बाई फाइव बताओ सर क्वेश्चन सेवन डिवाइडेड बाई फोर राइट ड्यूची सो सर यहां तक जो डब्बा है और दो फोर टाइम्स पहले सो सीन पहला डब्बा सम दिशा पे स्पेस समसोंग दिशा पे समसोंग आता हूं वन बाय फोर वन बाय फोर दिशा पे समसोंग यानी चौथा हिस्सा हो चार टाइम्स एक दो तीन चार टाइम्स आने का तो फोर टाइम्स फोर वन जा फोर डिवाइडेड बाय फोर देखे वन हो से। अब नेक्स्ट पे कहता है यहां फिफ्थ टाइम्स बस ये हो गया सर फाइव डिवाइडेड बाय फोर लेकिन यहां एक हिस्सा यानी बराबर सिक्स डिवाइडेड बाय फोर यहां एक हिस्सा सेवन डिवाइडेड बाय फोर तो एट डिवाइडेड बाय फोर बीन यहां लेकिन कहता है सेवन डिवाइडेड बाय फोर चाहिए आंसर आएंगे ठीक है बहुत सिंपल सा है ठीक है आई होप समझ में आया होगा ठीक है। अब सर इसका नेगेटिव लेते हैं सर नेगेटिव फाइव बाई सिक्स है दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव फाइव बाई सिक्स इसकी जो नेगेटिव तुम कहा लगा सकते हैं जीरो ना नेगेटिव वन जीरो ना नेगेटिव वन सर हिस्सा में छह हिस्सा उस बराबर छह हिस्सा तो एक हिस्सा हुआ दो हिस्सा सर तीन हिस्सा चार हिस्सा पांच छह हिस्सा हाँ दीर्घ से होता दीघ ना सम डब्बा कंसिडर सो एक नेगेटिव वन डिवाइड चूंकि नेगेटिव में जा रहा ना ऑर्ड ऑफ सिक्स आना ठीक है नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय सिक्स नेगेटिव थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स नेगेटिव फोर डिवाइडेड बाय सिक्स नेगेटिव फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स नेगेटिव मतलब दी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव इज इन तो आता नेगेटिव फाइव बाय सिक्स कंप्लीट है ये होगा सर नेगेटिव सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स सिक्स वन सिक्स वन सिक्स करके नेगेटिव वन आंसर है ठीक है देखा ना नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेगेटिव सेवन डिवाइडेड बाय सिक्स शाबाश ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए यही सेम क्वेश्चन है ठीक है। तीसरा कह रहा राइट फाइव रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू ठीक है तो लंबा लाइन कंसिडर करें साहब जीरो है वन है टू है बताओ जरा नो राइट फाइव रैशनल नंबर जो टू से छोटा हो टू से छोटे पांच रैशनल नंबर सुनेगा तो बहुत बेसिक सा है सर टू से छोटा छोटा सा नहीं दिखता सर जीरो वन ले लो जीरो ले लो नेगेटिव वन ले लो नेगेटिव टू ले लो एक दो तीन चार नेगेटिव थ्री ले लो पहला ये हुआ और भी बहुत सारा है सर बहुत सारे हैं ठीक है अब आपके पास इनफाइनली निकल जाएगा ठीक है नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव नेगेटिव सिक्स गामा रैशनल इंचा क्योंकि डिनोमिनेटर है गांव में वन ताना चीचा डिवाइड विषय का नाम रैशनल नंबर हुआ ठीक है आगे इसी तरह चौथा नंबर भी आप कर लीजिए फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द फाइव रैशनल नंबर बिटवीन ठीक है फाइंड ठीक है बहुत सिंपल सा है टेन रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सात ही है आई थिंक आपका हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच में आप कर लेना फिफ्थ में जैसे सर टू बाय थ्री ना फोर बाय फाइव खिलता है मतलब पांच रैशनल नंबर छह या सात जो भी निकालना है अरेस्ट निकाल सकते हैं ठीक है आप आराम से निकाल सकते हैं चिंता नहीं करो अतल हम मेथड चुची हो टू डिवाइडेड बाय थ्री फोर डिवाइडेड बाय फाइव मिड पॉइंट क्वेश्चन पहले गुमा दिन इसका प्लस बोस डिवाइडेड बाय टू बोस तो टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय टू पहला नंबर द्विबीजन अतः सॉल्व बस इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है टू फाइव जा टेन प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री फाइव जा फिफ्टीन डिवाइड बाय टू आंसर ठीक है टेन का टू ट्वेल्व कल बना ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय डेढ़ मल्टीप्लाई तो फिफ्टीन टू जा थर्टी तो ये हो गया सर ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय थर्टी पहला नंबर दूसरा टीचिंग ने कहा तो यहाँ इंदर का मिड पॉइंट इंदर का मिड पॉइंट दि मैथड सीचिंग मैथड सीचिए बहुत सिंपल सा मैथड सर चीज चीजें टू डिवाइडेड बाय थ्री ना फोर डिवाइडेड बाय फाइव की पेमेंट दी डिनोमिनेटर इसका सेम बोस ठीक है दोनों का एलसीएम ले लो लीज कॉमन मल्टीपल निकालो थ्री ना फाइव लीज कॉमन मल्टीपल ठीक है समझो सर अब क्या करें सर इसको जब आप ध्यान से देखना इसको आप फाइव से मल्टीप्लाई करो फाइव में मल्टीप्लाई करना खत्म फाइव मल्टीप्लाई टू फाइव सा टेन डिवाइड बाई थ्री फाइव सा फिफ्टीन हुआ ड्यू एरिस बस फाइव ना थ्री ने मल्टीप्लाई तो ठीक है एरिस थ्री ने मल्टीप्लाई था हमारे बस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फिफ्टीन बस समझिए तो टेन के ना ट्वेल्व सब कुछ पता बस हाँ इलेवन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन तो इलेवन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हाँ तो एक नंबर ये निकल गया इलेवन डिवाइड बाई फिफ्टीन लेकिन कहता हूँ पांच क्वेश्चन ने कहते अब आप क्या करें पांच क्वेश्चन ने कहते एलसीएम को सेम करके नंबर पूछा रहे लड़ने सेम वजह से ठीक है तो वो आप खुद से करिएगा देखिए वो कोशिश करिएगा इंशाल्लाह हो जाए तो मतलब एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन इतना ही था बाकी और भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज ही 1.2 में और दो तीन चार क्वेश्चन हैं कर लीजिएगा ठीक है जी कहीं पे हम स्टॉप होते हैं
नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।